मेरी गणना के मुताबिक आज 14 जनवरी रात्रि 8:34 पर सूर्य दक्षिणायन से उत्तरायण हो जाएंगे, इसलिए मकर संक्रांति कल यानी 15 जनवरी को ही मनाया जाएगा। सूर्य के उत्तरायण होते ही मांगलिक कार्य आरंभ हो जाएंगे और स्वर्ग का द्वार खुल जाएगा। सूर्य देवता इंद्रधनुषी रंग से मेल खाते अपने 7 घोड़ों वाले रथ पर सवार होकर मकर राशि में प्रवेश करते हुए अपनी उत्तर दिशा की यात्रा आरंभ करते हैं, जो हमारे जीवन को उजाले से भरने तथा अंधकार से छुटकारा दिलाने का प्रतीक है। मान्यता है कि इसी दिन सूर्य अपने पुत्र शनि देव से नाराजगी भुलाकर उनके घर गए थे। कहा जाता है कि महाराज भगीरथ ने अपने पूर्वजों के लिए मकर संक्रांति के ही दिन तर्पण किया था। मकर संक्रांति के दिन सूर्य की कक्षा में होने वाले परिवर्तन यानी सूर्य के दक्षिणायन से उत्तरायण में आने को अंधकार से प्रकाश की ओर परिवर्तन माना जाता है। हमारे वेद पुराण में मकर संक्रांति को पुण्यदायी पर्व माना गया है। इस दिन श्राद्ध कर्म तथा तीर्थ स्थान करना फलदायी माना गया है। इस दिन लाखों श्रद्धालु विभिन्न तीर्थ स्थलों पर पवित्र स्नान करते हैं और तिल से बने पदार्थों का दान करते हैं। गंगा सागर पर तो इस अवसर पर तीर्थ स्थान के लिए लाखों लोगों का हजूम उमड़ पड़ता है, जो इस वर्ष की महत्ता को परिलक्षित करता है। मान्यता है कि इस दिन देश भर के किसी भी पवित्र तीर्थ, संगम स्थल या गंगा अथवा यमुना तट पर स्नान करने से आध्यात्मिक, शारीरिक एवं मनोवैज्ञानिक ऊर्जा मिलती है। मकर संक्रांति के दिन यानी जब सूर्य उत्तरायण हो जाते हैं तो स्वर्ग का द्वार खुल जाता है और इस विशेष दिन को सुख समृद्धि का दिन भी माना गया है। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्।